जय मैं कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आज बात करूंगा आपसे कि अगर अपने शरीर के अंगों पर छिपकली गिरती है या छिपकली कूद जाती है, कई बार घरों में छिपकली होती है, बाहर से आ जाती है, तो अगर छिपकली गिर गई या कूद गई तो हमें हमारे जीवन में क्या परिणाम मिलता है, उसका क्या प्रतिफल होता है, तो इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो पूरा देखें, मेरा निवेदन है। नए दर्शकों से बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। हम बात करेंगे छिपकली के बारे में। माथे पर अगर छिपकली गिरती है तो यह सौभाग्यदायक होता है और कोई बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है। अगर बालों पर गिरे तो, बालों पर अगर छिपकली गिरती है तो जीवन पर संकट होता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दाहिने कान पर छिपकली के गिरने से स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति होती है, यानी अच्छा है। बाएं कान पर छिपकली गिरने से आयु बढ़ती है। दाहिने आंख पर छिपकली गिरने पर किसी अच्छे दोस्त से मिलने, जबकि बाईं आंख पर छिपकली गिरने से जल्दी ही कोई बड़ा नुकसान होने का संकेत मिलता है। भौहों पर छिपकली गिरने से आर्थिक नुकसान होता है। नाक पर छिपकली का गिरना भाग्योदय का संकेत है। अगर मुख पर छिपकली गिरना हो, कभी गिरे, तो शीघ्र ही मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। बाएं गाल पर छिपकली गिरने से पुराने मित्र से मुलाकात होती है, जबकि दाहिने गाल पर छिपकली गिरने से उम्र बढ़ती है। गर्दन पर छिपकली गिरने से सौभाग्य तथा यश मिलता है। और दाढ़ी पर छिपकली गिरने से किसी बड़े और भयानक संकट का सामना करना पड़ सकता है। मूछ पर छिपकली के स्पर्श या गिरने से सम्मान की प्राप्ति होती है। कंठ पर छिपकली गिरने से शत्रुओं का नाश होता है। कंधे पर छिपकली गिरने से वाद विवाद युद्ध में विजय मिलती है, जबकि बाएं कंधे पर छिपकली गिरने पर नए शत्रु बनते हैं। दाहिने हाथ पर छिपकली गिरने पर धन लाभ तथा बाएं हाथ पर छिपकली गिरने पर धन हानि होती है। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से नए वस्त्रों की प्राप्ति होती है, जबकि बाईं हथेली पर गिरने से धन हानि होती है। दाएं अस्तन अथवा दाहिनी छाती की ओर छिपकली गिरने पर नई खुशियां मिलती हैं, जबकि बाईं अस्तन पर गिरने से घर में क्लेश होता है, संकट या दुख होता है। पेट पर छिपकली गिरना आभूषण प्राप्त होने का एक संकेत है। कमर के बीच में या कमर के बीच छिपकली गिरने पर आर्थिक लाभ मिलता है। पीठ के दाईं तरफ गिरने पर सुख, जबकि बाईं तरफ गिरने पर व्यक्ति रोगी बनता है। पीठ के बीच में छिपकली गिरने का घर में बड़ा क्लेश। नाभि पर छिपकली गिरने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण मानी जाती हैं। दाईं जांग पर गिरने से सुख तथा बाईं जांग पर छिपकली गिरने में महान दुख प्राप्त होता है। दाएं घुटने पर छिपकली गिरना जल्दी ही किसी शुभ यात्रा का संकेत है, जबकि बाएं घुटने पर छिपकली का गिरना सौभाग्य की हानि है। दाएं पैर व दाईं एड़ी पर छिपकली गिरना यानी यात्रा से लाभ मिलता है, और बाएं पैर या बाईं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलह की बढ़ोतरी होती है। दाएं पैर के तले पर छिपकली गिरे या दब जाए पैर के नीचे से तो ऐश्वर्य की प्राप्ति मानी जाती है, जबकि बाएं पैर के तले पर गिरने पर व्यापार में बहुत बड़ा घाटा या नुकसान माना जाता है। तो मित्रों ये रहे आपके लिए छिपकली के संकेत, छिपकली के गिरने के संकेत। हमने आपको पूरे अंगों में चोटी से लेकर एड़ी तक कहाँ कहाँ छिपकली गिरती है, उसका क्या परिणाम होता है, ये आपको बता दिया मैंने। इस पर ध्यान दें, कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटती है तो उसका फल जरूर नोट कर ले। इसका समाधान भी होता है, छिपकली गिरे उसका समाधान भी किया जाता है। जहाँ जहाँ मैंने दोष बताए हैं तो किसी उपले पर नमक रख करके और बहते हुए पानी में अपने ऊपर से वार करके 5 या 7 बारी और बहते हुए पानी में
वो उपला डाल दिया जाता है, नमक बह जाए, उपला भी बह जाए, तो ये दोष आप उससे आप जो है मुक्त हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिषीय शास्त्रों का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।